सो इस RC 200 ना पहले जब इस लुक में आती थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद की जाती थी और लोग जो भाई इसको ख़रीदना पसंद करते थे, लेकिन अभी जो है इन्होंने नया लुक दे दिया, लोग जो उसको पसंद कर नहीं रहे हैं और उसकी जो सेल्स है वो डाउन हो गई है। लेकिन जब ये लुक आता था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जब ऐसी आती थी बाइक, तो सीरियसली गाइस ये जो बाइक है ना R15 और RS 200 की सेल्स को टक्कर देती थी। लेकिन आज की डेट में इसकी सेल्स ना के बराबर है, काफ़ी कम सेल हो रही है इसकी, और पहले जो है काफ़ी अच्छी सेल्स थी। वो रीज़न यही है कि इसका जो लुक्स है ना वो इन्होंने अब बिल्कुल ही बेकार कर दिया है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो गाइस देखो लुक्स अच्छा नहीं है भले ही, लेकिन जो टेक्निकली जो चीज़ें उन्होंने चेंज की है ना वो काफ़ी अच्छी कर दी है। जो परफॉर्मेंस है बाइक की वो पहले से अच्छी हो गई है। जो ये नया मॉडल है ना, ये नया मॉडल देखने में भले ही इतना अच्छा ना लग रहे हो, लेकिन गाइस इन्होंने जो है टेक्निकली इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। एरोडाइनमिक्स को काफ़ी अच्छे से जो इन्होंने बनाया है यहाँ पे, जो है अब आपको टॉप स्पीड भी अच्छी मिलती है। बट लोगों को क्या है ना यार, KTM से लोग एक्सपेक्ट करते हैं लुक्स, उन्हें परफॉर्मेंस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन भाई लुक्स भी चाहिए साथ में। तो इस चक्कर में ना अब इसका भी न्यू मॉडल आने वाला, अब न्यू मॉडल में क्या होगा ना कि इसमें कुछ ना कुछ वो चेंज नहीं करेंगे, बट लुक्स जरूर चेंज करेंगे। सो टेक्निकली कुछ चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ लुक्स में जो है चेंजेस होने वाले हैं। सो उसके बारे में जो है आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ जो है चेंज करेंगे और कब तक जो है लॉन्च होगा इसका नया मॉडल और क्यों जो है ये न्यू मॉडल लेके आ रहे हैं। सो सबसे पहले जो है रीज़न बताता हूँ आपको कि क्यों नया मॉडल लेके आ रहे हैं। रीज़न ये है कि उसका लुक्स जो इतना अच्छा नहीं लगा। इंडियन कस्टमर्स को जो है ना पहले वाली RC ज़्यादा अच्छी लगती थी, पहले वाली RC जो है ना वेटिंग पे चलती थी, न्यू वाली जो है शोरूम्स में खड़ी है बट लोगों को मिल नहीं रही, ऊपर से प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो रहा है, तो कुछ एक दो ही बाइक्स जो है निकल रही है, ज़्यादा बाइक्स जो है नहीं बिक रही है और लोगों को पसंद भी नहीं आया है नया मॉडल। अब जो है कंपनी इसके फ्रंट लुक को जो है सुधारने वाली है, कुछ अच्छा जो है इसमें देने वाली है। अगेन जो है आपको LED रिफ्लेक्टर की जगह LED प्रोजेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो फ्रंट लुक है ना वो अभी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो न्यू मॉडल है वो अच्छा आपको दिखेगा। इसमें जो फ्रंट हेडलैम्प था ना, लगता है कि भाई ये बस ऐसे ही फालतू सा डिज़ाइन बना के और Duke 390 की हेडलाइट लगा दी, ऐसा कुछ जो इन्होंने लुक्स दिया तो लोगों को पसंद नहीं आया। बाकी जो है सस्पेंशन सेटअप वगैरह, टायर साइज़ वगैरह, इंजन वगैरह सब कुछ सिमिलर होगा, फीचर्स वगैरह सारे सिमिलर होने वाले, उनमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे कंपनी नहीं करेगी। जो मेन चेंज है वो जो है गाइस लुक्स में ही होने वाला है। सो यहाँ पे फ्रंट लुक जो है गाइस इसका कंपनी जो है पहले से बढ़िया बना देगी और देखने में हो सकता है कि लास्ट मॉडल जो था RC 200 का उसी से इंस्पायर्ड, तो उसी से इंस्पायर्ड हुई तो जरूर चलेगी इंडियन मार्केट में, वरना कुछ ऐसा ही इन्होंने बना दिया दोबारा से तो शायद ये बाइक इंडियन मार्केट में नहीं चलेगी। पर देखते हैं कि करते क्या हैं। तो KTM से जो है ना अभी उम्मीद यही है कि भाई अब की बार लुक्स अच्छा बना दे और लुक्स से ही जो है ये बिकने वाली है, क्योंकि इसकी पावर परफॉर्मेंस तो लोगों को चाहिए, लेकिन फिर भी उससे पहले जो आता है लुक्स, यदि लुक्स ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे पावर परफॉर्मेंस का, तो वो सीन है। बाकी आपको बता दूं लॉन्च कब हो रही है, तो लॉन्च जो है 2023 में होगी, 2023 के मिड तक जो आपको देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। और इसकी जो प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर तो नहीं रहेगी, मान के चलो लगभग 6,000 से 7,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हर मॉडल में ना मतलब ये प्राइस बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी मॉडल में कम करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई ऑलरेडी बजाज की प्लेटिना बिक रही है और KTM तो फिर मतलब ऑलरेडी जो है ना भाई इनका बजाज अच्छा सेल जो है दे रहे हैं, लेकिन बजाज की स्पोर्ट्स बाइक है वो भी फेल पड़ी हैं फिलहाल। तो देखते हैं KTM क्या करता है और क्या नहीं करता। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।